Namaste and welcome back to our YouTube channel. I am Sakshi Jain and in today's video I am going to talk about MS and MD program of Amrita Vishwavidyapeetham Kochi. तो basically हम medical program में जो masters program होते हैं MS और MD उनको discuss करेंगे detail में, क्योंकि NEET PG का result आ चुका है तो हम उनके colleges के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन से colleges हैं top के colleges, उनका cut off क्या जाता है, कौन कौन सी stream में वो courses offer करते हैं, क्या fees रहती है, ऐसी कई information. तो video पूरा end तक देखिएगा, आपको पूरी information मिलेगी. But before getting into this video, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon to not miss any updates from our YouTube channel. So, अमृता विश्वविद्यापीठम कोची established हुआ था ये 1983 में. ये एक private institute है. Accreditation की बात करें तो approved है ये AICTE से, UGC से, MHRD से and NEC का grade A का accreditation भी इसके पास है. अगर हम courses की बात करें तो ये कौन कौन से courses में MS और MD offer करता है, तो ये offer करता है MD in Anesthesiology, Anatomy, Biochemistry, Community Medicine, then Dermatology, Venerology, Leprosy, then Emergency Medicine, Forensic Medicine, General Medicine, Geriatrics, Microbiology, Nuclear Medicine, Pediatrics, Pathology, Physical Medicine and Rehabilitation, then Physiology, Psychiatry, Radiation Oncology, then Radio Diagnosis, then Radiotherapy and then Respiratory Medicine में ये MD offer करता है. इसके अलावा ये offer करता है MS in Ophthalmology, Orthopedics and ENT में. ठीक है, courses की अगर हम बात करें तो courses तो हमने discuss कर लिए, अब हम seats की बात करते हैं कि seats कितनी है. तो seat matrix जो है वो आप screen पे देख सकते हैं. जो general के लिए seats है MD Anatomy के लिए वो 2 है, फिजियोलॉजी की जो है वो भी 2 सीट्स है, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए भी 2 सीट्स हैं, देन कम्युनिटी मेडिसिन के लिए 5 सीट्स है जनरल कैटेगरी के लिए, पैथोलॉजी के लिए भी 5 सीट्स हैं, देन अगेन माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में 2 सीट्स हैं एंड इमरजेंसी मेडिसिन में भी 2 सीट्स हैं. और आप ऐसे पूरा डेटा जो है वो देख सकते हैं. डेटा में फीस का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है. एनुअल ट्यूशन फीस जो है हर कोर्स की अलग अलग पड़ेगी कैटेगरी वाइज. जैसे कि अगर आप एनाटॉमी में लेते हैं तो आपकी जो फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 5 लाख रुपीज पर ईयर, और यही अगर आप फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करें तो 6 लाख रुपीज पर ईयर पड़ेगी, कम्युनिटी मेडिसिन में 8 लाख रुपीज पर ईयर, माइक्रोबायोलॉजी में 9 लाख रुपीज पर ईयर, MD पैथोलॉजी में 16 लाख रुपीज पर ईयर, और ऐसे आप फीस देख सकते हैं जो आपको पड़ेगी. तो ये एनुअल ट्यूशन फीस है. देन सेकेंड एंड थर्ड ईयर और जो दूसरी फीस आपको पड़ेगी वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है. जैसे कि एमडी एनाटॉमी में जो आपको दूसरी फीस पड़ेगी वो है 86,800 रुपीज. आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो आप स्क्रीन पे जो है पूरी मैट्रिक्स देख सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा. आप पॉज करके आराम से वीडियो देख लीजिए. अब हम बात करते हैं कट ऑफ की. तो जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था वो था एमडी रेडियो डायग्नोसिस के लिए गया था, क्लोजिंग कट ऑफ 7,341 रैंक थी. देन पीडियाट्रिक्स के लिए 3,286 रैंक थी, जनरल मेडिसिन के लिए 10,785, देन डर्मेटोलॉजी के लिए 8,413, देन आपका जो ऑप्थल्मोलॉजी होता है उसके लिए 15,497, एनेस्थियोलॉजी के लिए 56,148, देन ऑर्थोपेडिक्स के लिए 13,066, रेडियोथेरेपी के लिए 21,468, इमरजेंसी मेडिसिन के लिए 18,600, न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 22,770. ऐसे आप पूरा जो डेटा है वो देख सकते हैं. तो आज मैंने आपको इस वीडियो में अमृता विश्वविद्यापीठम कोची के मेडिकल प्रोग्राम MS और MD के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि कौन कौन सी स्ट्रीम में वो कोर्सेस ऑफर करते हैं, देन क्या फीस है उनकी और क्या कट ऑफ जाता है. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज बनाते रहूंगी, तो हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को. थैंक यू.